खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जूस। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बढ़ाई गई सुरक्षा, जान का जताया गया था खतरा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होने वाला है और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। सभी पार्टी के नेता जोरों शोरों से अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराने से जनसंपर्क अभियान चला रहे थे और लोगों से वोट करने की अपील कर रहे थे। इसी क्रम में भोजपुरी के सुपरस्टार बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी लोगों के बीच समर्थन की अपील करने पहुंचे थे। वहीं जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी जिसको देखकर मनोज तिवारी ने अपनी जान का खतरा बताया था और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की गुहार लगाई थी। अपराधी बेखौफ, डॉक्टरों के घर की लाखों की चोरी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। उधर राजधानी में अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के सुल्तानगंज मोहल्ले से आया है जहां मोहम्मदपुर में अपराधियों ने एक डॉक्टर के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि डॉक्टर बीते शनिवार को अपने ससुराल नालंदा गए थे जिसका फायदा उठाकर चोरों ने उनके घर कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर लिया। बिहार में कोरोना के तेज रफ्तार पर लगी ब्रेक, मिले 513 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 10,735। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि राज्य में कोरोना के रफ्तार पर अब ब्रेक लग चुका है। पिछले कई दिनों से जहां बिहार में कोरोना के हजार से नए मरीज सामने आते थे, आज सूबे के लिए राहत की खबर देखने को मिल रही है। आज 513 मरीज को लेकर कोरोना बिहार में सिमट चुका है। कई मामले में वांटेड चल रहे थे नक्सली, बेगूसराय से किया गया गिरफ्तार, एक पिस्टल और 5 गोली भी बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले कई महीने से दर्जनों मामले में वांटेड चल रहे कुख्यात नक्सली को एक पिस्टल और 5 गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी बिहार के बेगूसराय से की गई है। गिरफ्तार मोस्ट वांटेड नक्सली के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर बिहार के विभिन्न थाने में 16 मामले दर्ज हैं। बेगूसराय पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम पिछले कई महीनों से इसकी तलाश कर रही थी जिसे आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश, एक महिला समेत कई आरोपी दबोचे गए। दिल्ली से मिला चोरी का बच्चा, पटना पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसी साल अगस्त माह में पीएमसीएच से गायब हुए बच्चे को पुलिस ने दिल्ली से महिला बच्चा चोर समेत बच्चे को बरामद किया। पीएमसीएच में इलाज कराने पहुंचे एक महिला का बच्चा चोरी हो गया था जिसकी शिकायत पीड़िता महिला पुलिस में की थी, जिसके बाद से ही पुलिस बच्चे को तलाशने में जुट गई थी। वहीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला बच्चा चोर समेत कई लोगों को गिरफ्तार गिरोह का साथ ही पर्दाफाश भी कर चुकी है। वजीरगंज में उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा राजद के साथ मिलकर नीतीश को हटाने की तैयारी हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनता के समक्ष घोषणाओं की झंडी लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी उपलब्धि और दूसरों की कमियां गिनाने में पीछे भी नहीं रहे। इसी क्रम में वजीरगंज में रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने एक जनसभा को संबोधित किया जहां उन्होंने श्रीधर प्रसाद के पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम सबसे अधिक शिक्षा पर ध्यान देंगे।
राजेंद्रपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कहा सरकार बनी तो युवाओं को देंगे नौकरी। भागलपुर के नाथनगर के चर्च मैदान में महागठबंधन की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। इस क्रम में मौके पर तेजस्वी यादव ने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। वहीं तेजस्वी यादव ने जमकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा प्रहार भी किया। जेडी पर सुशील मोदी का हमला, सवर्णों का अपमान कर रहे तेजस्वी यादव। सवर्ण जातियों को लेकर तेजस्वी यादव के एक बयान पर विरोधियों ने हमला तेज कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी पर सवर्ण जातियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसभा में सवर्ण जातियों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, जो बहुत ही निंदनीय है। सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विवादित बयान, सवर्णों को लेकर था मामला। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं का दौरा जारी है। जनता को रिझाने के लिए सभी पार्टियों के नेता के बीच खुद को बेहतर और विरोधी को बदतर बनाने की होड़ मची हुई है। इस चक्कर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद उन्हें फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवर्ण को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया। पुलिस को जेल भेजने वाले बयान पर भड़के बीजेपी सांसद रवि किशन, बोले चिराग को माफी मांगनी चाहिए। बिहार में चुनाव प्रचार के क्रम में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एनडीए से अलग हुई लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर एक तरफ जहां नीतीश कुमार के खिलाफ काफी तीखे हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से नेता भी चिराग पर हमला कर रहे हैं। आज पटना एयरपोर्ट पर चुनाव प्रचार के सिलसिले में पहुंचे भाजपा सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने चिराग पर जोरदार हमला बोला है।